हाय गाइस, वेलकम टू हाउ टू इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्यवर्त बैंक में ऑफर कम अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के बाद अब आगे क्या होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आ रहे थे, हम उन सबको डिस्कस करेंगे। जैसे आपको लीज एकोमोडेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपका सैलरी अकाउंट कब ओपन होगा, कब तक आपकी सैलरी आएगी, किस डेट से आपकी सैलरी बनना शुरू होगी। इसके बाद दोस्तों, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे आरओ में जब आप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, तो क्या आपको आरओ में रहने की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी या आपको अपना रहने का खुद देखना होगा। और साथ ही साथ मैं अपना बैंकिंग एक्सपीरियंस भी इस वीडियो में शेयर करूंगा ताकि आपकी बैंकिंग जर्नी और सक्सेसफुल हो सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम टू हाउ टू इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपका जब ऑनलाइन ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तो आपको अपने रिस्पेक्टिव आरओज में जो आपको अलॉट हुए हैं वहाँ पर जाके आपको रिपोर्ट करना होगा। तो जब आप रिपोर्ट कर देंगे, ठीक है, उसके बाद आपकी एक से दो दिन की ऑनलाइन ट्रेनिंग कराई जाएगी। ऑनलाइन क्या बोलिए, आपको वहीं पे ऑफलाइन बिठा के ट्रेनिंग कराएंगे, ठीक है। जो आपके रीजनल ऑफिसर्स होंगे, जो रीजनल आरओ में आपके ऑफिसर्स होंगे, वो आपको ट्रेनिंग कराएंगे, ठीक है। आपको जो बेसिक चीज़ें थोड़ी बहुत बताई जाएंगी कि कैसे क्या करना है, ठीक है, वो सब आपको सिखाया जाएगा। आपको एक तरह से ट्रेनिंग मिलेगी। ट्रेनिंग मिलने के बाद आरओ में आपका जो डॉक्यूमेंट्स आपके रह गए थे डीबी वाले दिन, किसी ने कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया था, किसी का कुछ रह गया था, तो वो सारे सर्टिफिकेट्स आपसे आरओ में लिए जाएंगे, ठीक है। तो जिसके कुछ सर्टिफिकेट्स रह गए तो उसको तैयार करा के रख ले, क्योंकि आरओ में उनको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक्सटेंशन अब मुश्किल ही आपको एक्सटेंशन दें। अगर किसी वजह से है तो आपको दे सकते हैं कोविड को देखते हुए, बट आपको जो भी आपसे डॉक्यूमेंट कहे गए थे आप कोशिश करिए कि आप आरओ में सबमिट करा दें, ठीक है, जब आप आरओ में रिपोर्ट करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, क्या जब आप आरओ में रिपोर्ट करेंगे तो क्या आपको आरओ में रहने की फैसिलिटीज आरओ प्रोवाइड कराएगा जब आपकी एक से दो दिन की ट्रेनिंग होगी? तो इसका आंसर है जी नहीं। ये आपके ऑफर कम अपॉइंटमेंट लेटर में भी लिखा है, आपको कोई भी रहने की फैसिलिटी आरओ प्रोवाइड नहीं कराएगा। हाँ, आपको रहने का अपना खुद से देखना पड़ेगा, लेकिन हाँ, लंच टाइम में आरओ आपको लंच प्रोवाइड कराएगा, बट बाकी आपको अपना रहने का वहाँ खुद से देखना पड़ेगा कि कैसे रहना है। तो मेरी मानिएगा कि 10 या 11 तारीख को आप अपने रिस्पेक्टिव आरओ जिस भी ज़िले में वहाँ पहुँच जाइएगा, क्योंकि सबसे पहले तो आपको होटल देखना होगा, आपको जहाँ रहना है। एक से दो दिन तो आपको स्टे करना ही पड़ेगा होटल में। स्टे करने के बाद आपको अपने लिए रूम ढूंढना होगा, क्योंकि जब आरओ में आपको ब्रांच मिल जाएगी तो जैसे ही आपको ब्रांच जिस दिन अलॉट होगी उसके नेक्स्ट डे आपको ब्रांच में जाके मतलब रिपोर्ट करना होगा, तो ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं होने वाला है। तो आपको क्या करना है, जब आप आरओ में ट्रेनिंग चल रही है तो आप शाम को तो फ्री हो ही जाएंगे 5 बजे। 5 बजे के बाद जाके आप अपने लिए रूम ढूंढिए, देखिए आसपास क्या रूम मिल रहा है सिटी में, और क्योंकि ब्रांच जो भी होगी सिटी से 20-25-30 किलोमीटर, और अगर आपको लग रहा है कि आपको दूर ब्रांच मिली है, मान लीजिए आपको सेकंड डे पता चला कि आपको यहाँ ब्रांच मिली है, तो आप फिर चाहें तो अगर आप घर से दूर रह रहे हैं तो फिर आप तो कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन जो अपने ज़िले में जिनकी पोस्टिंग हो गई वो तो अपने घर से ही अप डाउन करने वाले, तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको रहने का देखना है, तो आप जब भी जाइएगा तो अपना सामान लेके जाइएगा। आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप आरओ गए, आरओ में रिपोर्ट किया, फिर आपको घर आने को मिलेगा, फिर आप सामान ले जाएंगे, ये सब नहीं है। आरओ में आपको ब्रांच मिल जाएगी और आपको नेक्स्ट डे जाके ब्रांच में आपको रिपोर्ट करना है। तो चलिए, आप ये तो समझ गए आपको ब्रांच कब मिलेगी। अब ब्रांच मिलने के बाद दोस्तों, फर्स्ट डे को जिस दिन आप ब्रांच ज्वाइन करेंगे आपका एक अकाउंट ओपन कराया जाएगा। तो आप इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा, जब भी आप ब्रांच जाएं तो अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लेते हुए जाएं, क्योंकि आपको अकाउंट ओपन होना है। कौन सा अकाउंट? सैलरी अकाउंट, जिसमें आपकी सैलरी आएगी। और बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सैलरी कब से किस डेट से शुरू होगी, तो जिस दिन से आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू हुई है यानी 5 जुलाई से आपकी सैलरी बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, आर्यवर्त बैंक में मंथ के एंड में सैलरी आती है, और हर क्वार्टर एंड में यानी हर तिमाही में, मतलब जो क्वार्टर एंड होता है तो क्वार्टर एंड में जो सैलरी आती है वो 27 को आती है, और बाकी जो मंथ है उनमें लास्ट वर्किंग डे आती है। जैसे जनवरी है तो जनवरी में आएगी 31 जनवरी को, और जैसे मार्च है तो 27 मार्च, यानी क्वार्टर एंड वाले में 27 को और जो नॉर्मल मंथ है उसमें आपकी लास्ट मंथ में, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, आपकी सैलरी इस तरह से आएगी। तो और एक क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ ऑफिसर को लीज एकोमोडेशन नहीं मिलता है, जो मिलता है वो एचआरए मिलता है, वो क्लर्क को भी मिलता है, ऑफिसर को मिलता है। जो क्लर्क को मिलता है 10.25% ऑफ बेसिक पे मिलता है, वो आपकी सैलरी स्लिप में जुड़ा होता है, और जो ऑफिसर को मिलता है अराउंड 7% मिलता है, ठीक है। तो आपको किसी भी तरह का लीज एकोमोडेशन नहीं मिलेगा, आपको रहने का अपना देखना होगा। तो यहाँ तक बात हो गई। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे थे क्या प्रोबेशन पीरियड में निकाला भी जा सकता है। तो देखिए, निकाला नहीं जाता है, 99.99% आपको निकाला नहीं जाएगा। अगर आप अच्छे से काम कर रहे हैं, सिंसियरली काम कर रहे हैं, तो आपको नहीं निकाला जाएगा, ठीक है। आपको अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी है, अच्छे से आपको जो आपको काम असाइन किया जाए आपको करना है। बस आपको निकाला सिर्फ एक केस में जाएगा, जब आप फ्रॉड करेंगे या बैंक के अगेंस्ट कुछ काम करेंगे, तो आप ऐसा तो शायद ही कोई करने वाला है, ठीक है। तो आपको बस ध्यान रखना है कि आपको अच्छे से काम करना है। हर क्वार्टर एंड में यानी एक QPR आपका ब्रांच मैनेजर बनाएगा,
QPR होता है क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट। आपकी जो आपका हर क्वार्टर एंड में आपकी एक रिपोर्ट भेजेगा आरओ को कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपको मैनेजर के साथ भी अपने टर्म्स अच्छे बना के रखने हैं, अच्छे से काम करना है, मतलब बस आपको जो काम असाइन किया जाए आपको वो करना है, बाकी आप एकदम चिल रहिए, बढ़िया से जॉब करनी है। एक बात और मैं बता दूं, अब मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूं। अगर आप बैंकिंग में आए हैं तो आप ये मान के चलिए कि कस्टमर आपका एक तरह से भगवान ही है। कभी कभी आपकी उससे नोकझोंक होगी, कभी हो सकता है, कोशिश करिएगा कि कस्टमर के साथ लड़ाई ना करें, क्योंकि अगर कस्टमर कंप्लेन करता है तो बैंक यही मान के इंक्वायरी करता है कि गलती आपने स्टाफ की है। तो कोशिश करिए कस्टमर से मत लड़ाई करिए। अगर आपको लगता है कि ये कस्टमर आपसे मतलब बहस हो रही है, लड़ाई होने जा रही है, तो आप उस कस्टमर को किसी दूसरे स्टाफ के पास भेज दीजिए कि आप जाइए उनसे बात करिए, मतलब आपको भिड़ना नहीं है, ठीक है? क्योंकि इससे क्या होगा, आपका अपना मूड तो ऑफ होगा और आपके खिलाफ अगर इंक्वायरी हुई तो आप उससे परेशान भी हो जाएंगे। तो कोशिश करिए कि किसी और के पास भेज दें तो शांति से अपना काम हो जाएगा, ठीक है? लड़ना नहीं है, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, कभी भी बैंक में फ्रॉड करने की कोशिश मत करिएगा। ये मत सोचिएगा कि हम पकड़े नहीं जाएंगे, आज नहीं तो कल सब पकड़ लिए जाते हैं और सीधा टर्मिनेट हो जाते हैं। तो बैंक में आपको किसी भी तरह का फ्रॉड नहीं करना है, ईमानदारी से आपको अपनी जॉब करनी है, आपको अपनी सैलरी मिलती है। मैं आपको बता दूं, बैंक जितनी फास्ट ग्रोथ कहीं नहीं है। तो आप एक अच्छे करियर ऑप्शन जब आपने चुनी लिया तो फिर आप उसमें बने रहिए, ठीक है? कभी भी कोशिश मत करिएगा किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आने के बाद फ्रॉड करने की कोशिश, तो कभी मत करिएगा। तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी टिप्स थी, ठीक है? तो इन सब चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। फिर मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।